तकरीबन आज हम बनाने जा रहे हैं एक मेडी ड्रेस, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, क्रेप का फैब्रिक है। अपर पार्ट की हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। 5 इंच की हम स्ट्रेप डालेंगे, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया है। 14 इंच हमें चोली की लंबाई लेनी है और 15 इंच निशान लेना है। 1 इंच मार्जिन का रहेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें नेक की ब्रेथ लेनी है। ब्रेथ हम 4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 7.5 इंच पे हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, तो 36 इंच हमारी चेस्ट है, 9 इंच उसका लेंगे। वेस्ट हमारी 30 इंच है, तो 7.5 इंच पे मार्क लेंगे। 1 इंच हम डार्ट के लिए रखेंगे, आपको जॉइंट कर लेना है। इसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे, दोनों लाइन को जॉइंट कर लेंगे। ब्रेथ का जहाँ मार्क लगा था वहाँ पे सेंटर में रख के हमें दोनों साइड 1/2 इंच लेना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का राउंड शेप दे देना है, आर्मोल का शेप देना है, सो कट कर लेंगे। के बाद हम लाइनिंग के कपड़े को कट करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है, पीस कट कर लेंगे। सेम 11 इंच पे मार्क लेंगे, जो हमारे बॉटम में रफल के लिए यूज़ होगा। तो स्ट्रेट लाइन से हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें कट कर लेंगे। ऐसे हमें 3 पीस कट करने हैं, जो हमारे नीचे रफल में यूज़ होंगे। 3 पीस कट करने के बाद जो कपड़ा हमारा बचेगा वो हमारे सेंटर में जो स्कर्ट आएगा उसके लिए यूज़ होगा। 10 और 2 इंचेस के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं, जो हमारे स्ट्रिप बनाने में यूज होंगे। इसके बाद हमें लाइनिंग के पीस को लेना है, दोनों स्ट्रिप को हमें इस तरीके से रखना है। पिन की हेल्प लेके हमें उनको अटैच कर देना है, ताकि वो इधर उधर हिले ना स्टिच करते टाइम। अब हमें मैन फैब्रिक को लेना है, इसके ऊपर रख देना है उल्टी साइड से। अंडरग्राउंड हम इसकी सिलाई लगाएंगे, पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद इसे हमें सीधी तरफ मोड़ लेना है। फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाई है। इसके बाद हमें लाइनिंग के कपड़े को लेना है, फिर से इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर ही हमें मैन फैब्रिक को उल्टी साइड से रखना है, और जैसे पहले लगाया था वैसे स्टिच मार लेनी है। अब हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। 4 इंच हमने डार्ट लिया है, ऊपर से हमने 11 इंच पे एक मार्क लिया है। दोनों को जॉइंट कर लेंगे, 1/2 इंच दोनों साइड से लेके हम डार्ट लगा लेंगे। सेंटर में जो स्कर्ट बनेगा उसके लिए हमने 5 नंबर की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें गैदर्स डालनी है, जिसके लिए हमने सिलाई को खोल लिया है थोड़ा सा, जो हमारा बाहर की साइड हिस्सा था। एक धागे को हमें पकड़ना है, उसको खींचते हुए हमें छोटे छोटे गैदर्स डाल देने हैं। ऐसा पूरे घेर में हमें करना है, ऐसा ही दोनों साइड से हम कर लेंगे। करने के बाद जो हमें रफल के लिए हमने 3 पीस कट करे थे उनको जॉइंट करके अब उसमें हम गैदर्स डालेंगे। इस तरीके से हमें गैदर्स डालने हैं। अब हम चोली को सीधा साइड रखेंगे। देखिए हमारा घेर कंप्लीट हो चुका है। हम चोली को सीधा रखेंगे सीधी साइड से, और घेर को हम उल्टा रख के एक स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमने जो फिटिंग के मार्क लगाए थे उन पे हमें स्टिच लगा लेनी है ऊपर से पूरे नीचे तक। देखिए हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।